श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 15 यात्री हुए घायल, एक घायल को गंभीर अवस्था में किया अलीगढ़ रेफर। जनपद की कोतवाली ढोलना क्षेत्र के गांव बाहिदपुर माफी गांव पर अनियंत्रित होकर श्रद्धालु से भरी एक प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 2 दर्जन यात्रियों में से 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा उस वक्त हुआ जब जनपद फिरोजाबाद के मखनपुर गाँव के रहने वाले श्रद्धालु निजी बस से गंगा स्नान करने के लिए नरोरा घाट जा रहे थे, तभी अचानक कासगंज जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र के बाहिदपुर माफी गांव पर उनकी बस हादसे का शिकार होकर पलट गई। आपको बता दें कि घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर घायलों का हालचाल लेने और घायलों की हर संभव मदद करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा यहाँ इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। रात एक बस जा रही थी फिरोजाबाद से बेलोन के लिए, जो गाड़ी रास्ते में थाना ढोलना के पास एक गांव पड़ता है फहदपुर, यहाँ पे पलट गई थी, जिसमें करीब 15 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया, बाकी की यहीं पर इलाज कर दिया गया। कहाँ के लोग रहने वाले हैं? अधिकतर लोग फिरोजाबाद के ही थे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।